पिता अपने बेटे की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करता है, उसे अच्छे तरीके से पढ़ाता है, लिखाता है और जीवन में एक सफल इंसान बनाता है। पिता के इस संघर्ष और प्रयासों की बदौलत वह बेटा एक कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। हजारों लोग उसके अधीन काम करने लगते हैं। एक दिन पिता सोचता है क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिला जाए और देखा जाए कि वह किस प्रकार से कार्य करता है। जब पिता अपने पुत्र के ऑफिस में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका बेटा एक शानदार ऑफिस में बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग उसके अधीन काम कर रहे हैं। यह सब देखकर पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वह बहुत प्रसन्न होता है। पिता अपने बेटे के चैम्बर में जाता है और अपने बेटे के पीछे उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और अपने पुत्र से पूछता है, बेटा बताओ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। बेटा क्योंकि ये समझ चुका था ये उसके पिता हैं, तो वह हंसते हुए कहता है, पिताजी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ। पिता यह जवाब सुनकर निराश हो जाते हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इस प्रकार से जवाब देगा, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा उनसे यह कहे कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं। बेटे की निराशाजनक जवाब सुनकर पिता उस चैम्बर से बाहर निकलने लगते हैं। चैम्बर से निकलते वक्त एक बार पुनः पिता पीछे मुड़कर अपने पुत्र से पूछते हैं, अंतिम बार पूछता हूँ बेटा बताओ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। तब पुत्र जवाब देता है, पिताजी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं। तब पिताजी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने पुत्र से पूछते हैं कि अभी तो तुमने कहा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान तुम हो, अभी और तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ, ऐसा कैसे। तब पुत्र जवाब देता है, पिताजी उस समय आप मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए थे। जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ होता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है, इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ। अब जब आप मेरे सामने बैठे हैं तो मेरा जवाब बदल गया है। पुत्र की बात सुनकर पिता की आंखें भर आती हैं और वह अपने पुत्र को कस कर गले लगा लेते हैं। जीवन की ये सच्चाई है, जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ हो वह इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। आज का समाज बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। आज हम पाते हैं कि हमारे समाज में कि पिता तो अपने पूरे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, किंतु पुत्र सफलता पाने के बाद अपने पिता के संघर्षों और उनके प्रयासों को भूल जाते हैं और उनका अपमान करते हैं, किंतु उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भविष्य में भी उनकी संतानें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी, इसीलिए उन्हें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। या तो आज ही वह अपना आचरण सुधार सकते हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक नई उमंग का संचार करेगी।